आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तुम्हें शांति मिले। दोस्तों, आज का विषय है कहीं आप श्रापित तो नहीं। वचन देखेंगे हम व्यवस्था विवरण 27:15 कि श्रापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारागिरी से खुदवा कर व ढलवा कर निकाले स्थान में स्थापित करे, क्योंकि इससे यहोवा को घृणा आती है। तब सब कहें आमीन। प्रियजन, आप सभी को जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि वो भला है। प्रियजनों, परमेश्वर आत्मा है, इसलिए आप आत्मा को कोई आकार नहीं दे सकते, नहीं आत्मा का कोई चित्र बना सकते हैं। परंतु आज बहुत से प्रचारक, पास्टर, विश्वासी भाई बहन और बहुत सी कलीसिया श्राप के अधीन है। श्रापित है क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, रोमियो 1:22, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं। परमेश्वर ने मूसा नबी द्वारा आज से हजारों वर्ष पूर्व मानव जाति को सबसे पहले आज्ञा दी थी। निर्गमन 20:3-5 तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खुदवा कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में, तो न उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। ये पहले आज्ञा है जिसको न ही कोई बदल सकता है, न ही कोई टाल सकता है। परंतु इस आज्ञा को जानने के बाद भी बड़े बड़े प्रचारक, पास्टर और विश्वासी भाई बहन बिल्कुल भी मानते नहीं। कलीसिया में प्रभु यीशु का नाम लेकर, मरियम का नाम देकर बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा देते हैं, बड़े बड़े चित्र लगा देते हैं, उनको दंडवत करते हैं और दूसरों को भी दंडवत करने को कहते हैं। किसी चित्र या प्रतिमा को प्रभु यीशु और उनकी शारीरिक माता मरियम का नाम देते हैं, क्योंकि वो सब पास्टर प्रचारक शैतान के वश में हैं और शैतान की ओर से सेवा का कार्य कर रहे हैं, जो यही चाहता है। मनुष्य द्वारा बनाई गई मूर्तियां चित्र को ईश्वर मानकर दंडवत करें, किसी चित्र प्रतिमा को ईश्वर का नाम दे। यदि अपने अपने मन, अपने अपने घर के अंदर किसी चित्र या किसी मूर्ति को प्रभु यीशु का चित्र मूर्ति समझकर लगाया है, तो ध्यान दीजिए पवित्र शास्त्र क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 27:15 कि श्रापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारागिरी से खुदवा कर या ढलवा कर निकाले स्थान में स्थापित करे, क्योंकि इससे यहोवा को घृणा आती है। तब सब लोग कहें आमीन। प्रियजन, परमेश्वर को घृणा आते हैं जब आप मनुष्य द्वारा बनाए गए किसी मूर्ति वाले चर्च जाते हैं, तब आप किसी मूर्ति को, चित्र को प्रभु यीशु का नाम देते हैं। और जब आप अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर किसी चित्र को प्रभु यीशु का समझकर पोस्ट करते हो या लगाते हो, जब आप अपने घर या किसी स्थान पर किसी प्रतिमा चित्र को, जिसे आप प्रभु यीशु का चित्र समझकर लगाते हैं, तब आप श्रापित हो जाते हैं। गुप्त भेद को आज जान लीजिए। आज पवित्र शास्त्र आपको प्रमाण दे रहा है आप श्राप के अधीन है, श्रापित है। सिर्फ सत्य को न जानकर आप नाश हो रहे हैं और शैतान आपको धोखा दे रहा है और आप शैतान का शिकार हो चुके हैं।
इसलिए आप जीवित परमेश्वर की उपस्थिति से बहुत दूर हैं। मन फिरा और नाश न हो, सत्य को जानकर सत्य पर चले भी। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।